खाली स्त्रियां नहीं, पुरुष लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। देव दाढ़ी बनवा के आते हैं सैलून से, अगर एक बार ना बोलो कि आज बहुत अच्छे लग रहे हैं तो फिर उनका दाढ़ी बनाना बेकार हो जाता है। भगवान श्री राम माँ जानकी के मांग में अपने हाथ से सिंदूर भरते हैं और उसके बाद माँ जानकी पूरी तरह सुहागन हो जाती है। मैंने ये देखा है, जब एकदम लड़की की शादी होती है ना और पहली बार उसका मांग भरते हैं, बाप रे पूरा एकदम देवी की तरह लगती है। आज ये अलग बात है कि आधुनिक देवियों को देख देख करके हमारे घरों की जो बच्चियां हैं ना, अपने पति के मौजूदगी में कई बार अपना सिंदूर पोंछ देती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, पूरा भर के लगाना चाहिए। बिहार की जो महिलाएं होती है ना शादीशुदा, पूरा भरती हैं। और आजकल लोग भरते हैं लेकिन सामने वाले को कंफ्यूज करते हैं। सही में, अरे जब शादी हो गई वही आपका पति है तो फिर दुनिया को बताओ ना, बताओगे तो सेफ रहोगे। लोग डरेंगे आपकी तरफ घूरने से कि आजू बाजू कहीं इसका पति अगर खड़ा होगा तो ले दनादन ठोकेगा। तो सिंदूर की बात में मैंने बोल दी, सिंदूर जब शादी हो जाए तो पूरा लगाओ। मुझे याद है अम्मा मेरी नहा लेती और मांग में सिंदूर नहीं है तो खाना नहीं खाती, जब सिंदूर भर लेती है तो खाना खाती है। मैं मालूम है यहाँ सब लोग ऐसे ही होंगे, जो अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं वो सब ऐसे ही। ये जरूरी है कि भावी पीढ़ी में भी ये सारी बातें उसी गहराई के साथ जाएं। सच में बोल रहा हूँ, बहुत बुरा लगता है। और दूसरा, आजकल की लड़कियां अपने पति को तुम करके बात करती हैं, लगता है उनका पति ना उनका बेटा हो। ऐसा नहीं करिए, आपको पति उसे सम्मान दीजिए। नहीं, तुम क्यों लेट से आते हो, तुमको बोला था सामान लाने के लिए, क्यों नहीं लाए, पैदा किए उसको। सच में ये देखो, दिल्ली बंबई नहीं लखनऊ में भी दिख जाएगा, और हो सकता है आपके मतौनी में भी कहीं नई पीढ़ी में दिख जाए। आप दिखा रहे, बोल मत बोलो भाई किसी के सार्वजनिक, ऐसा नहीं करिए। एक ही जगह तो राजा साहब होता है अपनी पत्नी के सामने, दुनिया पूरी लतारे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पत्नी उसे पूरा सम्मान दे तो। अगर आप लोग सम्मान नहीं देंगे तो फिर वो एक दिन घर छोड़ के भाग जाएगा किसी आश्रम उश्रम में, वहीं जाके रहेगा, फिर आप टॉर्च लेके घूमते रहना, दैनिक जागरण में अमर उजाला में विज्ञापन देना कि हमारे पति देवता मतौनी गाँव के रहने वाले पता नहीं कहाँ भाग गए हैं, कोई उनको पकड़ के लाए तो उसको 501 रुपए इनाम मिलेगा। देखो सिंदूर की बात आई ना, जब माँ के मांग में सिंदूर भर देते हैं भगवान श्री राम, तो एक सुहागन कैसी लगती है। किसी ने बहुत सुंदर लिखा है, जैसे कलश वापे दिया ना जर तू है, जैसे कलश वापे दिया ना जर तू है, झल के पर या भी तो खान हो, जैसे कलश वापे दिया ना जर तू है, झल के पर या भी तो तलीरन के मनिया झल के मिलरा झल के श्रीराम के। कलश वापे दिया ना जर तू है, झलके
पर याद